गुड मॉर्निंग गाइस, एंड आप सोच रहे हो कि ये कहाँ से आज वीडियो शूट कर रहा है। तो मैं अभी हिंटन टाउन में हूँ, जो कि यहाँ से एक घंटा दूर है जास्पर से। तो जास्पर एक लार्जेस्ट कैनेडियन रॉकीज नेचुरल पार्क है, एंड उसका एरिया अप्रॉक्स 11,000 स्क्वायर किलोमीटर है। एंड अगर आप अल्बर्टा ऑयल एंड गैस के लिए जानते हैं, तो अल्बर्टा उसकी ब्यूटी के लिए भी काफ़ी फेमस है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे जास्पर दूसरी बार आए, लास्ट समर भी आए थे, एंड काफ़ी कुछ हमने एक्टिविटीज़ की थी, जैसे कि रिवर राफ्टिंग हो गया, फिर कोलंबिया आइस फील्ड है जो आपको लाइक बस में ले जाता है कॉलम लाइक ग्लेशियर पे, एंड वहाँ पे आपको देखना होता है, आपको टाइम स्पेंड करना होता है। तो ये जास्पर काफ़ी लोग घूमने आते हैं समर में, स्पेशली लाइक अमेरिका यूरोप से। एंड अगर आप कनाडा में, तो जास्पर तो जरूर आना, एंड बैम्फ, ये दोनों जगह आपको मिस नहीं करनी चाहिए यहाँ पे। तो अभी सवाल ये आता है कि भाई विंटर में तुम क्या कर रहे हो। तो आज हम जाने वाले मलाइन कैनियन आइस वॉक के लिए, जो कि काफ़ी बढ़िया एडवेंचर रहने वाला है, एंड पहली बार हमारा ये एक्सपीरियंस है। एंड ये मलाइन कैनियन के लाइक आइस वॉक के काफ़ी हमने वीडियोस भी देखे, जास्पर का लाइक अलग से पूरा वेबसाइट है ऑफिशियल, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। वहाँ पे ही आपको सब कुछ बुकिंग करवाना पड़ता है, अराउंड $80 टिकट है, प्लस लंच आ गया। टाइमिंग अराउंड 9 बजे का एक होता है एंड 12 बजे का होता है, तो हमने 9 बजे का टाइम स्लॉट सिलेक्ट किया हुआ है आइस वॉक के लिए। तो अभी तक सनराइज़ भी नहीं हुआ। तो एक काफ़ी मज़ेदार बात मैं आपको बता दूँ, यहाँ से जो हिंटन से जास्पर का जो रोड ट्रिप जो रास्ता है ना, वो इतना बढ़िया है एंड नेक्स्ट लेवल है, क्योंकि सब माउंटेन्स बीच में आपको दिखने मिलते हैं, एंड उसमें भी आपको सनराइज़ होते मिल जाए तो भाई और क्या ही चाहिए आपको। एंड सॉरी गाइज, मैं यहाँ पे पार्किंग में से वीडियो लाइक शूट कर रहा हूँ। हमने यहाँ पे हिंटन में एयरबीएनबी बुक करवाया है, एंड एयरबीएनबी उतना भी अच्छा नहीं है कि मैं वहाँ पे जाके सब कुछ रिकॉर्ड करूँ आपको दिखाऊँ, पर एक रात के लिए चल जाए ऐसा है, लाइक $90 में हमने बुक करवाया है। तो गाइज काफ़ी बातें कर ली, अब सीट बांध के बैठ जाइए आप, क्योंकि अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ मलाइन कैनियन का आइस वॉक एडवेंचर की जर्नी। सो गाइज, फाइनली हम आ गए हैं मलाइन कैनियन, एंड यहाँ पे इन्हें हेलमेट भी दे दिया एंड शूज़ भी हमको पहना दिए, सो ऑल सेट टू गो। एंड गाइज, हम जब पहले आए तो हमको लगा हम अकेले ही आज जाने वाले लाइक ये आइस वॉक करने के लिए, बट उसके बाद काफ़ी लोग आए एंड अराउंड लाइक 15 लोग जैसे है। सो काफ़ी बढ़िया रहने वाली है ट्रिप, सो लेट्स गो फॉर द एडवेंचर। सो गाइस, कैसा लगा आपको ये मलाइन कैनियन का एक्सपीरियंस? हमारा तो जो एक्सपीरियंस था वो नेक्स्ट लेवल था, एंड मैं इसको आपको कोई शब्दों में नहीं बता सकता, आपको यहाँ पे खुद आके ही एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही लाइक बढ़िया था। एंड अभी हम यहाँ पे मलाइन ओवरलुक पे आए, तो देख सकते हैं आप पूरा यहाँ से व्यू देख सकते हैं। एंड आप अगर नेचर लवर है तो आपको ये चीज़ कभी मिस नहीं करनी चाहिए एक्सपीरियंस, लाइक ये जास्पर में विंटर में आना काफ़ी लाइक हमारे लिए तो वर्थ इट था। सो फाइनली गाइज, हम ये वीडियो यहाँ पे एंड करने वाले इतने खूबसूरत नज़ारे के साथ। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, डेफिनेटली नीचे कमेंट में बताना, एंड सपोर्ट करना इस चैनल को, आगे भी आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोज़ लाता रहूँगा। थैंक यू गाइज, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।